उत्तर प्रदेश के रामपुर से पुलिस ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में फर्जी दुल्हन समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ये गिरफ्तारी की है। पुलिस का दावा है कि लड़की को दुल्हन के रूप में पेश कर ये शादी रचाते हैं, फिर दूल्हे और उसके परिजनों को ब्लैकमेल करने लगते हैं। कई मामलों में पूरा घर भी साफ कर देते हैं। पुलिस का कहना है कि इस गैंग ने कितने लोगों को चूना लगाए ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने कहा है कि आरोपियों को रिमांड पर लेकर ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। SP अशोक कुमार शुक्ला ने बुधवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मेरठ के थाना गिठौर के ग्राम हसनपुर निवासी सार्थक शर्मा और उसके साले आकाश स्वामी से मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर के झील वाले पार्क में एक लड़की को मिलवाया गया था, जहां पर फर्जी शादी का ठोंग रचाया गया। इसके बदले गैंग में शामिल लोगों ने 92,000 रुपये लिए। बाद में सार्थक शर्मा, आकाश स्वामी और उनके परिजनों के साथ गैंग में शामिल लोगों ने मारपीट की और पुलिस से पकड़वाने की धमकी भी दी गई। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सार्थक शर्मा ने गंज थाने में तहरीर दी थी। उसके आधार पर अमरोहा जिले के बछराइयू थाने के महमदी गांव में निवासी गजराज सिंह, रुद्रपुर निवासी राकेश, रुद्रपुर के मोहल्ला नारायणपुर निवासी सुनीता, कुमारी सुमन, छाया देवी, नन्नी गजराज सिंह के दो पुत्रों आदेश और सुनील के खिलाफ पुलिस ने IPC की धारा 420, 384, 323, 504 और 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने आरोपी गजराज सिंह, छाया देवी और नन्नी को गिरफ्तार कर लिया है।